अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो इस लाल सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और साथ ही इस बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 5.12 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करूंगी, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन सवाल आप लोगों के लिए जो है वो मैंने कॉपी कर लिया सॉल्यूशन में, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपके पास दो ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, बीच में इनके डिवीजन का साइन है। तो सबसे पहले आप इस ब्रैकेट को भी सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को भी सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये डिवीजन का साइन जो है उसको आप मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे। बीच में इनके प्लस का साइन है, दो एलजेब्रिक फ्रैक्शंस आपको दिए हुए हर ब्रैकेट के अंदर, यहां पर भी और इधर भी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो आप यहां करेंगे वो एलसीएम ले लेंगे इनका, ठीक है, डिनोमिनेटर्स का। ये आपके पास जो है उसका एलसीएम आ गया। अब देखिए ऊपर क्या चीज आ जाएगी आपके पास, ये ब्रैकेट ऑलरेडी यहां पर मौजूद था, ठीक है, ये वाली टर्म पूरी मौजूद थी, आपने इसको विद इन ब्रैकेट कर दिया और ये ब्रैकेट जो है वो उसके साथ ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एलसीएम जब आपने लिया तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा, तो ऊपर जाके इस फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास ये बीच में प्लस का साइन आएगा, इसको थोड़ा सा बड़ा करके लगाइएगा। यहां पर आपके पास एक्स माइनस वाई जो है वो कैंसिल हो रहा है और इधर ऑलरेडी आपके पास मौजूद था एक्स प्लस वाई, तो ये वाला ब्रैकेट इसके साथ ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका जो है वो इस तरीके से फर्स्ट ब्रैकेट जो है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। ये आ गया बीच में डिवीजन का साइन, सेम थिंग आप यहां पर भी परफॉर्म करेंगे, क्योंकि यहां पर भी इन दो एलजेब्रिक फ्रैक्शन के बीच में जो है वो माइनस का साइन है, तो एलसीएम आपका आ जाएगा एक्स माइनस वाई एन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये आपका जो है वो एलसीएम आ गया यहां पे। अब देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आपके पास क्या चीज है, ये आपके पास ऑलरेडी था एक्स माइनस वाई, इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, बीच में आ जाएगा माइनस का साइन, इसे भी आप थोड़ा सा बड़ा करके लगाएंगे। यहां पर आप लोगों के पास ऑलरेडी एक्स प्लस वाई मौजूद है, नीचे से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये चीज जो है वो उसके साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर, और आप यहां इस तरीके से इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे, क्योंकि राउंड ब्रैकेट जो है वो ऑलरेडी यहां पे यूज हो चुके हैं। नेक्स्ट अब आप देखिए यहां पर क्या करेंगे, अब गौर से अगर आप यहां पर देखें इस चीज को, अब देखिए यहां पर आपके पास जो है वो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि आप इसे फॉर्मूले में बंद कर सकते हैं, बट आप नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए अगर यहां पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला भी अगर होता तो ये हो जाता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, यहां पर आपके पास जो है वो प्लस का साइन होना चाहिए था, इट मीन्स कि ये जो है वो रिवर्स में नहीं जा सकता, आप इसे फॉर्मूले में बंद नहीं कर सकते, तो ये दो ब्रैकेट जो है वो एज इट इज नीचे आ जाएंगे। रीजन मैंने आपको बता दिया कि यहां कोई फॉर्मूला आप नहीं बना सकते, क्योंकि माइनस का होता तो यहां प्लस होता और अगर प्लस का होता तो यहां माइनस होता। अब देखिए ऊपर आप इस चीज को गौर से देखिएगा, यहां पर देखिए फॉर्मूला बन सकता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इट मीन्स के ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो है वो यहां पे फॉर्मूला बन जाएगा, तो आप इसे इस तरीके से ब्रैकेट में रखिएगा। नेक्स्ट है बीच में देखें प्लस का साइन, यहां पर भी देखिए आपके पास फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, तो यहां पर भी आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा। ये आ गया बीच में डिवीजन का साइन, सेम चीज यहां पर भी है आपके पास, ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला आपने यहां पर नहीं बना सकते, तो आपने इसको एज इट इज लिखना है। और यहां पर भी देखिए आपके पास जो है वो फॉर्मूला बनता हुआ आपको नजर आ रहा है, तो वही चीज आपने यहां पर भी करनी है, इसी तरीके से आप इसको ब्रैकेट में कर देंगे। यहां पर देखिए प्लस का फॉर्मूला बन रहा है,
मैंने फॉर्मूले का रेफरेंस नहीं दिया है, आप चाहें तो साइड में रेफरेंस दे सकते हैं फॉर्मूले का, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक करने के बाद अब हमने ये ब्रैकेट्स रिमूव करने हैं, और ब्रैकेट्स किस तरीके से आप रिमूव कर सकते हैं ये देखिए। सबसे पहला ब्रैकेट जो है वो एज इट इज खुल जाएगा क्योंकि इसके बाहर पॉजिटिव साइन है तो इनके साइंस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। सेकेंडली जो आपके पास यहाँ पे साइन है वो भी पॉजिटिव साइन है तो जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इन साइंस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये हो जाएगा आपके पास प्लस का एक्स क्यूब एंड प्लस 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 वाई क्यूब। डिनोमिनेटर जो है वो आप दोबारा इसी तरीके से नीचे उतार लेंगे, यह आ जाएगा आपके पास डिवीजन का साइन। इसी तरीके से आपने यहां इसको भी ब्रैकेट्स को ओपन करना, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस एक्स क्यूब एंड माइनस प्लस माइनस वाई क्यूब। अब यहाँ पर आप देखिए माइनस का वाई क्यूब प्लस का वाई क्यूब कैंसिल हो रहा है, ये हो जाएगा आपके पास टू एक्स क्यूब। यहाँ पर देखिए प्लस का एक्स क्यूब एंड माइनस का एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएंगे माइनस के टू वाई क्यूब। अब देखिए सारी सिंप्लीफिकेशन यहां तक कंप्लीट हो गई। अब आप क्या कर सकते हैं, इस डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करके इस फ्रैक्शन को आप जो है वो रेसिप्रोकल कर देंगे। अब ये देखिए ये क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्रॉस में, और इसी तरीके से ये टू भी यहां से जो है वो क्रॉस में कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास न्यूमरेटर में आ जाएगा एक्स क्यूब एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपके पास माइनस का वाई क्यूब। तो आप इस तरीके से माइनस साइन यहां शो करेंगे और नीचे आ जाएगा आपके पास वाई क्यूब एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर टू। ठीक है, ये आपके पास जो है वो क्वेश्चन है। अब आपने देखिए इसको गौर से देखना है सवाल को, बीच में देखिए आपको यहाँ पर माइनस साइन नजर आ रहा है, इट मीन्स कि आप जो है वो इस पूरी टर्म को फर्स्ट टर्म कंसीडर करेंगे एंड ये पूरी चीज आपकी जो है वो सेकंड टर्म हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आपने सवाल को जो है वो देखना है। तो आप इसे शुरू किस तरीके से करेंगे, देखिए सबसे पहले आप सवाल को नीचे जो है वो कॉपी कर लेंगे, मैं दोबारा से यहाँ पर कॉपी नहीं करूंगी, डायरेक्ट मैं यहाँ पे जो है उसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रही हूँ। देखें सबसे पहली चीज जो आपने यहाँ पे करनी है, इस ब्रैकेट के अंदर आपके पास दो टर्म्स है, बीच में आपके पास नेगेटिव साइन है, इट मीन्स कि आप यहाँ पे सबसे पहली चीज जो करेंगे वो आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस थ्री वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि आपके पास जो है वो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, या आपने लिख दिया जब डिनोमिनेटर सेम होंगे तो इट मीन्स कि आपको जो है वो कोई रफ वर्क यहाँ पे परफॉर्म करने की या आपको जो है वो किसी किस्म की मेहनत करने की जरूरत नहीं है, न्यूमरेटर आपने जो है वो एज इट इज लिख देना है। यह आ गया आपके पास माइनस का साइन। अब देखिए इन ये जो ब्रैकेट आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है इसके बीच में या इन दो टर्म्स के बीच में या इन दो फ्रैक्शन के बीच में आपके पास मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा जो है वो सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा एक्स वाई एंड ये हो जाएगा आपके पास एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस थ्री वाई,
ठीक है, आपने क्या कर दिया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो गया, डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो गए, इस तरीके से जो है वो आप इसे लिख देंगे और ये आ गया आपके पास एज इट इज। अब देखिए यहाँ आप क्या कर सकते हैं, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो यहाँ पे ओपन हो रहा है, तो वो आप ओपन कर देंगे इधर इन ब्रैकेट्स को, या यहाँ पे जो है वो सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। देखिए फर्स्ट ब्रैकेट पॉजिटिव था, ये देखिए इस तरीके से मैंने लिख दिया, बाहर कोई नेगेटिव साइन नहीं है, तो इस तरीके से अगर आप इसे बगैर ब्रैकेट के भी लिख देंगे तो कोई मसला नहीं है, बट आप देखें बीच में आपके पास नेगेटिव साइन आ रहा है, तो जो नेक्स्ट ब्रैकेट या जो आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो उसको आपने इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर लिखना है। यहाँ माइनस का फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है ये हो गया। अब देखें बीच में आ गया आपके पास मल्टी माइनस का साइन। अब देखें यहां पर आप जो है वो क्या चीज कर सकते हैं, ये आ गया आपके पास एक्स वाई, ये आ गया आपके पास एक्स माइनस वाई, क्योंकि देखें यहां पर आप जो है वो कोई और चीज मजीद जैसे सिंप्लीफिकेशन आप जो है वो यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ से इस डिवीजन के साइन को खत्म करके इसे इस तरीके से सॉल्व कर लें, ठीक है, तो थोड़ा सा जो है वो ये हिस्सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब देखें यहाँ से x माइनस वाई आप कैंसिल कर सकते हैं, एक्स वाई आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर देखें ये माइनस साइन पूरे ब्रैकेट से आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस टू एक्स वाई एंड माइनस प्लस माइनस वाई स्क्वायर, नीचे आ जाएगा आपके पास एक्स प्लस थ्री वाई का होल स्क्वायर। मजीद जो है वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप इस चीज को जो है वो एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए इस पूरे ब्रैकेट की जगह अब आप क्या लिखेंगे जो यहाँ पे बच गया, ठीक है, न्यूमरेटर में आपके पास कुछ नहीं है तो आप उसको वन कंसीडर कर लें, और डिनोमिनेटर में आपके पास जो है वो एक्स प्लस थ्री वाई आ रहा है, ठीक है, तो इस सेकेंड टर्म में आपके पास जो बच गया वो आपने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए यहाँ से क्या चीज हो सकती है, ये प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का वाई स्क्वायर एंड माइनस का वाई स्क्वायर कैंसिल होके ये हो जाएगा आपके पास फोर एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस थ्री वाई का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पे इस डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करके ये इसको इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा एंड डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यह आ गया बीच में आपके पास माइनस का साइन, और ये आ गई आपके पास ये सेकेंड टर्म। अब देखिए यहां पर ये फोर एक्स वाई मल्टीप्लीकेशन का साइन है इनके बीच में जो कैंसिल हो रहा है, आप यहां से कैंसिल कर देंगे, देखें x प्लस थ्री वाई यहाँ पे टू टाइम्स है, ये ब्रैकेट यहाँ वन टाइम है तो ये वन टाइम इस वन से कैंसिल हो जाएगा, तो देखें आपके पास यहां पर क्या बच गया, न्यूमरेटर में आपके पास वन आ गया कुछ भी नहीं है तो, और डिनोमिनेटर में आपके पास ये x प्लस थ्री वाई जो है वो वन टाइम बच जाएगा, तो उसको ब्रैकेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इस तरीके से ये सॉल्व होके यहां तक आ गया। अब देखें बीच में नेगेटिव साइन है, अगेन आप यहां पे जो है वो उसका एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम आ रहा है आपके पास एक्स प्लस थ्री वाई, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर आप जो है वो एज इट इज लिख देंगे, वन में से आप वन माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जीरो एंड जीरो अपॉन समथिंग जीरो एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो चलिए यहीं पे मैं अपनी वीडियो को एंड करना चाहूंगी, इसी उम्मीद के साथ कि जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से आपकी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।